अब आपने लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो आप इस वीडियो में आ गए हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है हमसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस रूट 7 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस विल बी क्या होंगे। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं यार, इतना ईजी सवाल है सच में यार, आप बड़ी जल्दी से कर दो यार, मैं तो सही बता रहा हूँ आप, है ना। आपके सामने ऐसे सवाल तो उठा के पटक देने चाहिए यार, इतने आसान सवाल। अभी अभी इसका बताया था मैंने आपको, देखो मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ इसका क्या है। आंसर में देखिए ज़रा कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, देखते हैं कौन कौन बताता है इसका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बताना है। देखो क्या करना है आपको, 7 को प्लस करना है रूट 7 की वैल्यू में। अब रूट 7 की वैल्यू निकाल लो तो प्लस कर लोगे आराम से, ये दोनों तो प्लस हो नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट 7 का ले लीजिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तब निकल जाएगा आपका, ठीक है। रूट 7 यहाँ लोगे तो 7 यहाँ रखना पड़ेगा। अब 7 किसके स्क्वायर के नियर आता है, सिंपल आपको पता है 2 के स्क्वायर के नियर आता है, 2 दूनी क्या होता है 4, ठीक है। अब ये 4 यहाँ आ गया, इसको माइनस कर लोगे तो 3 बच गया, ये 2 और 2 ये क्या हो गया 4। अब ये देखिए ये इससे बड़ा छोटा है और ये बड़ा है तो डिवाइड नहीं हो सकते, तो यहाँ करेंगे हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते हैं तो बेटा 00 आता है, ठीक है। कितना आता है 00, तो ध्यान रखना आसानी से। तो देखो यहाँ पर 4 लिखोगे, यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई ऐसा किस में करोगे, अगर आप 4 या 12, नहीं 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 कम हो जाएगा, आप इसकी कर लीजिए। अगर मैं इसकी 2 से करता हूँ, 2 दुनी 4 और 2 चौक 8, नहीं इससे भी नहीं आ रहा ये, ठीक है। तो अब देखते हैं किससे आता है, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब 4 की आप अगर करते हैं 7 में करते हैं, चलो 7 7 है ना, 7 चौक 7 सत्ते 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 चौक 28 29 30 31 32 32 ये लो भाई साहब 300 से बड़ा हो गया, तो ये 6 बार ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये 6 बार ले लेते हैं, एक बार 6 से 6 6 36 से हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 6 6 36 से हासिल लगा 3, 6 चौक 24 और 3 24 और 3 कितने हो गए 27, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो कितनी बार में आया ये, 3 बारी में आ गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो 3 बार में ये आया है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 लिख दिया यहाँ, ओ सॉरी 3 नहीं 6 आएगा ना, क्योंकि 6 6 लिखा है, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिख देते हैं 276, 276 लगेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 2 80 24 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इन्हें जोड़ लो अब 6 6 12 के, तो हाँसी लगा 1, यहाँ पर 5 आ गया, 52 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये 52 आ गया है, तो 52 छोटा है इससे, पॉइंट लग रहा है तो 0 ले लीजिए यहाँ पर अगेन। तो यहाँ पर जब हमने 0 लिया 52, अब देखो यहाँ 500 बन जाएगा मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो यहाँ पर अब क्या करोगे 500 4 बार एक बार करके देखते हैं, 4 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस लेना है आपको, कितने लेना है 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 से करोगे 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 दुनिया 8 और 1 9 4 5 20, तो ये हो गया हमारा 2090। एक बार 5 से और करके देख लेते हैं इसी को, 5 2 5 5 से, ठीक है। 5 5 25 5 हासिल लगा 2, 5 6 दुनी 10 और 2 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 5 25 और 1 26, ओ शिट ये तो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या है 4 बारी में लेते हैं, ठीक है। 4 बारी में क्या आ जाएगा, 4 बारी में आ जाएगा हमारा 4 यहाँ रखेंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पर रखेंगे 2096, ठीक है। तो ये 2096 रख दिया हमने, 4 4 तो ये हो गए, कितना हो गया 300 4 बचा घटा करके, ठीक है। 304 यहाँ बच गया, इसको जोड़ लीजिए 4 4 8 और ये हो गया 2 और ये हो गया 5, ठीक है। अब ये पॉइंट लग रहा है फिर से, अब देखिए यहाँ पर क्या लिया था हमने, 4 लिया था, तो यहाँ भी मैं क्या लिखता हूँ 4 लिखता हूँ। तो आ जाओ अब आगे आगे भी सॉल्व करते हैं, ठीक। अब ये क्या होगा, आप इसको फिर से डिवाइड कर लो, और डिवाइड नहीं, हाँ भाई पहले मल्टीप्लाई कर लेते, पॉइंट लग रहा है तो 00 आ जाएगा, 30,000 हो गया इस बारी, क्या हो गया 30,000 हो गया, 5 2 8। थोड़ा लेंदी होता है ये, है ना, अभी समझाने में लेंदी लग रहा है, अगर अकेले बैठ के करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखे, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 लेना है, तो यहाँ पर 5,000 हो जाएगा, मैं कुछ भी लगाऊंगा
5 6 30, तो मैं 6 बार ले लेता हूँ इसको। एक बार 6 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36, 6 8 3, 6 8 48, 49 50 51 की एक हासिल लगा 5, 6 2 12 और 5 17 के साथ हासिल लगा 6 5 30 और 1 31, ये तो 31,000 हो गया। तो आइए अब इसको क्या करते हैं, 5 से करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब इसे करते हैं हम 5 से सॉल्व, 5 से करेंगे 5 2 8 को 5 × 5, 5 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 8 40 और 2 42 की 2 हासिल लगा 4, 5 2 10 4 14 की 4 हासिल लगा 1, 5 5 25 और 1 26, ये आ गया हमारा 26,425। कितनी बारी में आया है, 4 बारी में आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे और मल्टीप्लाई। अप टू 3 डिजिट देखना था हमें, तो अप टू 3 डिजिट ही देखेंगे इसमें, ठीक है। तो अब देखिए हमारा किस तरीके से होगा आगे, ये ठीक। चार बारी में आ रहा है ना ये, सॉरी चार बारी में नहीं यार, 5 बारी में आ रहा है ना ये, तो 5 लिखना है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 बारी में ये आ रहा है हमारा, ठीक है, एकदम सही चल रहा है हमारा सवाल। तो अब देखिए 3 डिजिट तक आ गया है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2.645, ठीक है। फिर प्लस 7 करोगे इसमें, देखो अब 7 को प्लस कर लीजिए इसमें, किस तरीके से करोगे, इन्हें जोड़ लो सिंपली। आपको पता है पॉइंट वाली प्लस कैसे होती है, पॉइंट वाली प्लस बताता हूँ मैं आपको, देखिए कुछ बच्चों को ये भी नहीं आती होगी तो सीख लो, 2.645। तो देखो जो होल नंबर होते हैं ना, होल नंबर के नीचे आते हैं, तो अब इन्हें जोड़ लीजिए। अब जोड़ लेते हैं, 5 ये आ गया, 4 ये आ गया, 6 ये आ गया, 7 और 2 ये 9 आ गया, तो पॉइंट आ गया यहाँ पर। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, और इसने पूछा क्या हमसे, रूट पूछा इसका, 9645 आ गया, और इसका ही हमें क्या बताना है, स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ इसका स्क्वायर रूट, इस पे पूरे पे स्क्वायर रूट भी चढ़ेगा, ठीक है। तो आइए इसका स्क्वायर रूट देखते हैं, 9.645 पर रूट। बेटा ऐसे ही सवाल आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। 9 ये आप बताइए अब किसका स्क्वायर रूट होता है ये, ठीक है। अब देखिए आप ये आसानी से किस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इसका भी आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसमें अगर जो आप इसको प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद आपका क्या आ गया, ये 9645 आ गया। अब देखो 9645 का भी अगर आप इसका वो निकालोगे ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालना पड़ेगा आपको ये, इसको मैं मिटा देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालोगे, सिंपली इसको भी उसी के ही अंदर रखो, 9.645, ठीक है। इस तरीके से रखोगे तो आप लॉन्ग डिवीजन से निकालोगे तो इसका फाइनल आंसर आपका पता है क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3.105। ये आपका इसका 3.105 कौन सा है, ये रहा, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो मैं इसमें भी लॉन्ग डिवीजन करूँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो बनानी नहीं चाहिए, बनानी चाहिए, लेकिन देखो आपको मेथड समझ में आना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आप आंसर इसका कर सकते हो, ठीक है। वट विल बी द वैल्यू ऑफ √676 प्लस √784 माइनस √289, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। प्लस करना है फिर माइनस करना है, सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे इसमें। अब मान लीजिए ये वाली संख्या दे रखी है, तो आप है ना देखो इसका या तो एलसीएम मेथड से निकालोगे, काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, है ना। तो आपको सिंपली क्या है, मैंने आपको बोला था ये आपको याद होने चाहिए 50 तक, किस किस बच्चे ने याद करें जरा जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में थंब के साथ भेजो कि सर मैंने याद किए हैं, ठीक है। तो बेटा याद कर लो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो 676 है वो 26 का स्क्वायर होता है, 26 का आंसर बता रहा हूँ मैं इसका। फिर प्लस करोगे आप इसको 784 किसका होता है, 28 का होता है, प्लस ये वाला सॉरी प्लस नहीं, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, तो ये किसका होता है, 17 का होता है। तो आंसर इसका क्या आएगा, इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, इसको अगर जोड़ोगे आप तो क्या आएगा, 26 और ये 28 कितना होता है, देखो 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 की 4 हासिल लगा 1, 4 और 2 4 और 1
पाँच, 54 आ गए, 54 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा, 54 में से अगर 17 जाएंगे, 54 में से 17 जाएंगे, जल्दी बताओ, 14 में से 7 गए, 7 गया बचा, और यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, 4 में से 3 एक गया तो 3, 37, सो 37 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन है इसमें, 37 सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया हो आपको तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये वाला क्वेश्चन, बताने लायक है, चलो बताता हूँ मैं इसको भी। ठीक है, वरना तो आपको ये होमवर्क में ही देता मैं, चलो मैं ही करवाता हूँ इसको। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो सिंपल आपको मैं कंसेप्ट बताऊँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जब इक्वल टू दिया होता है आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, आंसर में क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स के एक्स में करोगे, एक्स गुणा एक्स करोगे, बराबर क्या करोगे, 27 × 28 करोगे, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर बराबर, इसको क्या लोगे आप बताइए, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 × 8 = 56 की 6 हासिल लगा कितना, 5, 7 × 2 = 14 × 5 = 19, ये आ गया, स्क्वायर हटता है तो बेटा रूट चढ़ता है, और आंसर बेटा प्लस और माइनस में आता है, किस में आता है, प्लस और माइनस में आता है। अब हम बात करते हैं ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं ये भी बताएंगे हम आपको। ठीक है, क्वेश्चन, रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये किसका स्क्वायर होता है जल्दी बताइए, 14 का होता है, नहीं होता, 196 है ना, 14 का होता है ना, तो 14 इज द करेक्ट आंसर, तो डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ऐसे लर्नर्स आ जाओ नौवें क्वेश्चन पर, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखने में डिफ़िकल्ट सा लग रहा होगा आपको। ठीक है, जब आपको करवाऊंगा तो बहुत आसान लगेगा। तो सबसे पहले वे बच्चे जल्दी से आंसर बता दो इसका जिन्हें ये आता है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा, सिंपली देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, इफ़ रूट एक प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है एबीसी ऑप्शन में, कौन सा वाला होगा सही, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखो सिंपली यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, आप इस वाले पोर्शन को पहले सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है किस तरीके से, पहले मैं सवाल यहाँ पर उतार लेता हूँ आंसर में। ठीक है, देखिए क्या होगा, रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12 ऐसे। ठीक है, यहाँ उतार लोगे तो क्या होगा, इसमें देखो अपॉन में 1 मानो, 1 मान के इनका एलसीएम लोगे तो 144 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट में क्या आ जाएगा, 144 तो यहाँ रहेगा, जब ये 144 यहाँ आ गया, अब देखिए 144 को आप इससे डिवाइड करोगे, एक को 144 से डिवाइड करोगे, 144 बार जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 144 आ गया फिर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा, इसकी एक ही बार में डिवाइड हो जाएगी 144 की 144 में, तो यहाँ क्या होगा, एक बार एक्स आ जाएगा, ये आ गया। अब बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 13/12 इस तरीके से आ गया। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दोनों पर रूट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको रूट 144 प्लस एक्स हो जाएगा ये, और अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट 144, ये हो गया। इस तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, इस तरीके से हो गया ये, तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं, 13/12 इस तरीके से हो गया ये। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को, ये 12 का स्क्वायर लग रहा है, नहीं लग रहा आपको 12 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, आगे इधर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ रूट 144 प्लस एक्स बराबर 13/12 यहाँ पर 12 रहेगा, और मैं इसको देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसको 12 का स्क्वायर है तो 12 लिख सकता हूँ, 12 से 12 कैंसिल हो गया, अब मेरे पास क्या बचा, रूट 144 प्लस एक्स, ये आ गया बराबर 13 इस तरीके से, ये आ गया है हमारे पास, तो ये आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, जब यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ इस पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 144 प्लस एक्स बराबर 13 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताइए, 169 होता है, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको यहाँ ले आऊँगा एक्स बराबर राइट हैंड साइड में, एक्स को खाली छोड़ेंगे, 169 माइनस 144 करेंगे हम, अब हमारे पास क्या बच गया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जल्दी से बताइए, देखो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा,
अब 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, तो 25, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25, 25 है ऑप्शन में जी, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इफ 18225 बराबर 135 होता है रूट में, है ना, रूट 18225 बराबर 135 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, इस वाले की वैल्यू क्या होगी मुझे बताइए। तो इसकी वैल्यू देखो सिंपली हमें यहाँ आंसर दे ही रखा है, तो क्या करोगे देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो आप, 135 लिख सकते हो इस वाले को। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं इसी को, इस वाले सवाल को यहाँ सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, 135 लिखोगे फिर प्लस में, मैंने आपको बताया था जब हम इसका लॉन्ग डिवीजन लेते हैं तो जोड़े बनाते हैं इधर से ऐसे ऐसे और ऐसे। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट कितनी, दो, यहाँ पर एक तो इसका जोड़ा बनेगा और एक इसका बनेगा, मतलब कि दो संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो ये क्या लिखेंगे हम 13.5 लिखेंगे प्लस, यहाँ देखो एक के बाद है पॉइंट, तो मतलब यहाँ क्या होगा 1.35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये जोड़े बनाएंगे ना ऐसे, तो यहाँ एक संख्या के बाद है, यहाँ एक लिखोगे, यहाँ एक, तो पॉइंट लगाओगे यहाँ पर, तो बाकी आगे की डिजिट तो आपको पता ही है। इसको अब अगर सॉल्व कर लेते हैं हम, देखो कई बच्चों पे है ना याली मल्टी याली प्लस करनी नहीं आती है, तो याली प्लस करनी भी सिखाई देता हूँ मैं आपको। कैसे करोगे, तो 135 लिखोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाता है और होल नंबर के नीचे होल नंबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है, तो यहाँ पर लिखो 13.5 और यहाँ पर लिखोगे आप 1.35, इस तरीके से लिखोगे। अब इसे जोड़ लो, ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये वाला क्या हो गया 8 और एक 9, 4 और ये हो गया 1, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 149.85 ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका ये, वेरी गुड बेटा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाएं, खुद सॉल्व किया करो यार जितना हो सके ना, तो आप है ना इन सवालों को खुद सॉल्व करो, जितना खुद सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखो ये वाली वीडियो तो हो चुकी है कंप्लीट, अब ये 11th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 11th क्वेश्चन का आपको करके दिखाना है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ मेरे को, और इसका आंसर जानना है तो आप अगली वीडियो में क्लिक कर लो, ये लेफ्ट वाली वीडियो जो लगा रखी है मैंने इस पर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।